अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाउमीन नूडल्स की रेसिपी, बहुत ही इजी वे में। हम यहाँ पर घर पर ही चाउमीन बना करके तैयार करेंगे, एकदम ठेले वाली चाउमीन जैसी। मार्केट में आपको जैसी चाउमीन मिलती है वैसी ही हम यहाँ पर घर पे बना करके तैयार करेंगे, और वो भी कुछ ही मिनटों में। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर मैंने हाफ बॉयल चाउमीन ली है, ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाती है। अगर आपको हाफ बॉयल चाउमीन ना मिले तो आप हार्ड चाउमीन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाउमीन को बॉईल करेंगे। तो चाउमीन बॉईल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, तो पानी में यहाँ पर उबाल आने देंगे। अब 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल ऐड कर देंगे और अपनी चाउमीन ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम चाउमीन ली है। तो चाउमीन को हमें यहाँ पर 90% कुक कर लेना है, यानी उबाल लेना है। चाउमीन को उबालते वक्त थोड़ा उलट पलट कर दें, ताकि ये सारी ही इक्वली उबल पाए। चाउमीन यहाँ पर बॉईल हो चुकी है, तो इस तरीके की चाउमीन हमें यहाँ पर बॉईल करनी है कि इसे हाथ में लेते ही ये टूट जाए। तो अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे एक स्ट्रेनर में। तो चाउमीन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजीज को काट लिया है। तो ये बंद गोभी है, 1 कप बंद गोभी ली है मैंने यहाँ पर, और 1/2 कप शिमला मिर्च ली है, और 1 चम्मच यहाँ पर लहसुन काट लिया है बारीक, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर अदरक को काट लिया है बारीक, और 2 हरी मिर्चें हैं इनको भी मैंने बारीक काट लिया है, और ये 2 प्याज है मेरी मीडियम साइज की, इनको भी मैंने लंबे साइज में काट लिया है। तो प्याज की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ज्यादा रखी है, जो भी वेजीज आपको ज्यादा पसंद है आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च की क्वांटिटी कम रखी है, तो आप यहाँ पर ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कढ़ाई का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, ताकि हमारी चाउमीन अच्छे से मिल जाए। ऑयल को यहाँ पे गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है, सबसे पहले अदरक और लहसुन को ऐड करेंगे, फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का फ्लेवर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अदरक लहसुन पे यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ चुका है, बस अब यही ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब अपनी बाकी वेजेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सब्जियों को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हम इन्हें क्रंची क्रंची सा ही रखेंगे। 1 चम्मच के समथिंग यहाँ पर रेड चिली सॉस ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर अपनी चाउमीन ऐड कर देंगे। चाउमीन ऐड करके यहाँ पर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर वाइट विनेगर ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पर चाउमीन नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच के समथिंग यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। अब सभी चीजों को डाल के अच्छे से मिला लेना है। तो मैं यहाँ पर फॉक का इस्तेमाल करूंगी मिलाने के लिए। सभी चीजों को मिला करके अब हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच के समथिंग मैं यहाँ पर नमक ऐड करूंगी, और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच ही यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। अब दोबारा से अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाउमीन बन करके हमारी रेडी है। बहुत ही ईजी तरीके से आप घर पर चाउमीन बना करके रेडी कर सकते हैं। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।